नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। भगवती दुर्गा के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देवी को खुश करने में पूजन अर्चना के अलावा उनके भोग का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में जरूरी है कि नवरात्रि के दिन और उनसे संबंधित देवी माँ की पसंद के हिसाब से ही भोग अर्पित किया जाए। ऐसा करने से पूजा के फल में बहुत वृद्धि होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों को कौन सा भोग लगाएं। पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। शंकर जी की पत्नी और 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। इस दिन माँ को घी का भोग लगाने से भक्त निरोगी रहते हैं और उनके सारे दुख खत्म होते हैं। दूसरा दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की आराधना होती है। लंबी उम्र की कामना के लिए माँ को शक्कर, सफेद मिठाई और मिश्री का भोग लगाएं। तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरा दिन यानी तृतीया को दुर्गा जी के चंद्र घंटा रूप की पूजा होती है। माँ के इस रूप को दूध मेवा युक्त खीर या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भक्तों को समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा होती है। देवी के इस रूप की कृपा से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि एवं मानसिक शक्ति अच्छी रहती है। इस तिथि को मालपुआ का भोग लगाना अच्छा होता है। भोग लगाने के बाद उसे बच्चों में वितरित करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। पांचवा दिन, नवरात्रि के पांचवे दिन यानी पंचमी को देवी के स्कंद माता के रूप की आराधना की जाती है। शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए माता को केले का भोग लगाएं। छठा दिन, छठे दिन देवी के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए शहद और मीठे पान का भोग लगाएं। सातवां दिन, नवरात्रि के सातवें दिन देवी के जिस रूप की पूजा की जाती है वो है माँ कालरात्रि। नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। इसके अलावा नींबू काट कर भी माँ को अर्पित करें। आठवां दिन, देवी महागौरी को हम आठवें दिन पूजते हैं। ये अन्न धन को देने वाली हैं। माँ के स्वरूप को नारियल का भोग लगाएं। इस भोग से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवा दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन समस्त सुखों और सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को पूजते हैं। कोई भी अनहोनी से बचने के लिए इस दिन माँ के भोग में अनार को शामिल करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।